या होली मिलन कार्यक्रम हर साल होता है, बीच में दो साल कोरोना के। हमारे यहाँ 612 सदस्य हैं और 612 सदस्यों की का परिवार है, कुछ बाहरी हमारे यहाँ किराएदार भी हैं और कुछ जो अगल बगल के सुख चिंतक हैं, सब इसमें शांति से भाग लेते हैं। नाच गान होता है तीन भाषा में, कहीं कोई अश्लीलता नहीं है, और उसके बाद खान पान होता है और सब हंसी खुशी जाते हैं और होली के दिन अपने बिहार हमारे राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग सुखाल रहें, बेरोजगारों को नौकरी मिले, किसानों को उनका अनाज का उचित दाम मिले और विद्यार्थियों को पढ़ने की अच्छी सुविधा मिले, सारे चीज़ों का हम लोग जो है सो कामना करते हैं और फिर अगले साल मिलने के लिए हम लोग इकट्ठा होंगे और फिर इस पर विचार। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम दया शंकर सिंह हुआ, मैं पुलिस कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी। हाँ सर बताया जाए, होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, बिहार वासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? होली मिलन हमेशा हर एक साल भाती इस साल है, जो है बीच में दो साल कोरोना के चलते नहीं हुआ था। हम लोग बिहार वासी को ही संदेश देना चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और सब लोग का दिन खुशी, जिस तरह से होली में लोग खुश रहता है उसी तरह से हमेशा खुशहाल रहे, यही जो है यहाँ का होली का संदेश है। पुलिस को लिए पटना पुलिस को लिए साहब। अब मेरा नाम दिनेश है और पार्षद भी अभी हैं और अजय भाई हमारे, और ये पुलिस कॉलोनी मतलब एक परिवार एक गांव ऐसी रूपरेखा हम लोगों की है और बिल्कुल सौहार्द के साथ हम लोग हम तो चाहेंगे आमंत्रित करना अपने पार्षद महोदय को। एक मिनट पूरे पटना वासियों को, पूरे नगर वासियों को, आप सबों को, आपके परिवार को पूरा पूरी बधाई, पूरी पूरी। और उनको उठा लिया गया जी में एक वही सुंदर आयोजन। अरे आप आइए ना, आप आगे आइए ना, अरे रुक क्या बताओ, आप इधर आइए ना, इधर आइए ना, मैडम आप पूछे उनको पहले दवा हुआ है यार, जब कोई चाहे कोई बैठे नहीं नहीं बहुत शुभकामना आप सबों को, आप आइए हम बेटे परिवार को, आप सभी खुश रहिए आनंद से रहिए, शुभकामना है, शुभकामना है आपको बहुत बहुत।